अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने स्कर्दू के ऑर्गेनिक विलेज को एक्सप्लोर किया था और आज हम जाने वाले हैं मंतोखा वाटरफॉल और इसके अलावा खामोश वाटरफॉल। पॉइंट मंतोखा वाटरफॉल का 100 रुपये पर हेड यहाँ का जो है टिकट है। मंतोखा वाटरफॉल पर जो है वो पहुंच गए हैं। तकरीबन 66 किलोमीटर था ये स्कर्दू सिटी से, और यहाँ पर अगर आप सुकून की तलाश में आ रहे हैं तो फिर तो आप गलत जगह हैं। बाकी ये कि पिकनिक पॉइंट अच्छा है और बहुत अच्छा वाटरफॉल है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है, काफ़ी जो है ना कमर्शलाइज हो गई ये जगह। यहाँ पर आप अपनी कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा खाना नहीं बना सकते अपना आप। यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह मौजूद है, बस आपने वहीं से खाना पीना है। और जो रूम्स वगैरह यहाँ पर है, टी हाउस भी तकरीबन यहाँ पर 15,000 रुपये पर नाइट है, उसके अंदर ही अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो ये थी जी मंतोखा वाटरफॉल, और इस वक्त तकरीबन 2:45 हो रहे हैं, 2:40, और अब हम जा रहे हैं खामोश वाटरफॉल की तरफ। आज पूरे टूर की जो है वो पहली वाटरफॉल मंतोखा वाटरफॉल, और खामोश वाटरफॉल भी यहाँ से करीब ही है, तकरीबन 30-35 किलोमीटर का फासला है। हाथों हाथ वो भी आज निमटा ही लेते हैं। फाइनली जी खामोश वाटरफॉल पर पहुंच गए। इस वक्त हम फाइनली मौजूद हैं जी खामोश वाटरफॉल पर, जो कि खामोश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यकीन करें इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पर आएंगे तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ जो पानी के फवारे या वेपर जो चेहरे पर पड़ रहे हैं ना, वो आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो है ना आप जो है खामोश वाटर के फॉल के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं तो आपको एक ठंड का एहसास होता है, और जैसे ही आप आगे पीछे जाते हैं तो नॉर्मल बिल्कुल मौसम हो जाता है। तो जो लोग मंतोखा वाटरफॉल से यहाँ आने में सुस्ती करते हैं ना, तो यकीन करें एक बहुत अच्छी प्लेस, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस को मिस कर रहे हैं। बहुत सुकून की जगह है, यहाँ टूरिस्ट भी कम आता है और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है मंतोखा की जगह। और यकीन करें सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है यहाँ पर ना, मंतोखा वाटरफॉल से खामोश वाटरफॉल की जो ड्राइव है वो सिर्फ 1 घंटे की है। इतना खूबसूरत रोड बना हुआ है, दोनों तरफ जो है वो ट्रीज है, लश ग्रीनरी है, रास्ते में वैलीज आती हैं, 1 घंटा आपका पता भी नहीं चलता कैसे गुजर जाता है।
लेकिन ये जगह जो है ना वो आना वर्थ इट है।